केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। वहीं इससे इन परिवारों को 15,000 रुपए सालाना की आमदनी भी होगी। उन्होंने बताया कि हर जिले में एक मॉडल सोलर विलेज बनाया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज इसको मंजूरी मिली है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। एक बड़ी क्रांतिकारी योजना है जहां पर 1 करोड़ घर यानी कि लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ेगा, उनको लाभ मिलेंगे, आय के साधन बढ़ेंगे। वहीं पर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हमारी एक और लंबी छलांग लगेगी जहां 45 गीगावाट के लगभग रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ है और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि से आज तक मदद की है कि दुनिया भर में खाद यूरिया के दाम कई गुना बढ़ गए लेकिन मोदी जी ने कहा था किसान के ऊपर खाद और यूरिया के बढ़ते जो दाम दुनिया भर के हैं उसका हिंदुस्तान के किसानों पर बोझ नहीं पड़ने देंगे और लाखों करोड़ की सब्सिडी हमने पिछले कुछ सालों में दी। आज का निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS उसके रेट जो हमने फॉस्फेटिक और पोटेशिक जो PNK फर्टिलाइजर्स के लिए है 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए निर्धारित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में की बड़ी दरों का प्रभाव किसानों पर ना पड़े इसलिए निर्णय लिया गया है कि जिस दाम पर पिछले साल ये मिलते थे उतने ही दाम पर इस साल भी मिलेंगे, कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, 1 रुपया भी दाम नहीं बढ़ाया गया है। तीसरा जो निर्णय है वो हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से है।